हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अगेन आज मेरा जो टॉपिक है वेट लॉस का है, और एक वेट लॉस रेसिपी है जिसको खा के मैंने एक्सट्रीम वेट लॉस किया था और मेरे स्किन पे काफ़ी अच्छा ग्लो भी आया था। तो आज मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ वो शेयर करूँ। और सबसे अच्छी बात है कि इस जो मैं डिश बताने जा रही हूँ, वेट लॉस डिश बताने जा रही हूँ, इसमें आपको फाइबर खूब अच्छी मात्रा में मिलेगा, आपको प्रोटीन बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा, आपको मतलब जितने भी विटामिन्स न्यूट्रिशन है वो सारी चीज़ मैंने एक मील में मिला दी है, ताकि सब कुछ आपको मिले। आपके हेयर्स भी काफ़ी अच्छे रहें, आपके नेल्स भी काफ़ी अच्छे रहें, आपकी स्किन भी काफ़ी अच्छी रहे, और आपका वेट लॉस भी हेल्दियर वे में हो। क्योंकि क्या होता है कि जब हम वेट लॉस के प्रोसेस में होते हैं तो स्किन काफ़ी डल सी हो जाती है और बाल भी काफ़ी बेजान से हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी डाइट को कट करना स्टार्ट कर देते हैं और सिर्फ वैसी चीज़ें खाना स्टार्ट करते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं पर्सनली कौन सी डाइट प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत से लोग बोलते हैं कि मैम आप वेट लॉस तो कर रही हैं लेकिन उसका इफेक्ट आपके फेस पर नहीं आता, आपके हेयर्स पर नहीं आता, आपके स्किन पर नहीं आता। तो उसका जो सीक्रेट है वो यही डिश है कि जिसको खा के और आप एक महीने तक रेगुलर खाइए इस डिश को अपने लंच में, नॉट ब्रेकफास्ट नॉट डिनर, ओनली लंच में। और सबसे अच्छी बात इस डिनर की ये है कि जो लोग भी कॉलेज गोइंग हैं, ऑफिस गोइंग हैं, वो भी इसे मॉर्निंग में, जस्ट इसको बनाने में आपको 15 से 20 मिनट लगेगा। जस्ट आपने इसे बॉयल करने के लिए रख दिया और नहाने चले गए तैयार होने, और आपका जस्ट बन गया और आपने टिफिन में रखा लेके चले गए। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि कोई भी मुझसे ये एक्सक्यूज नहीं कर सकता है कि मैं घर पे नहीं रहता, मैं बाहर रहता हूँ, या मैं घर पे नहीं रहती मैम, मैं नहीं खा सकती। इसका इस डिश का ऐसा कुछ भी नहीं, आप प्रॉपर इसे टिफिन में लेके जा सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं डिश की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सारी दालें लेनी है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे जो है वो अरहर की दाल ले रही हूँ। ये मैं दो लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा ले रही हूँ, वरना अगर आपको एक लोगों के लिए बनाना है तो क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। यहाँ पे 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम मैं अरहर की दाल ले रही हूँ। उड़द की दाल सबसे कम लीजिएगा, 1 टेबल स्पून मैं उड़द की दाल ले रही हूँ। उसके बाद आपको मतलब 5 दालों का मिश्रण है ये, मैं आपको धीरे धीरे बता रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अरहर दाल यानी तुअर दाल, येल्लो दाल जिसे भी हम बोलते हैं, पीली वाली दाल। देन उसके बाद आपको उड़द दाल और चना दाल, जो मोटी वाली होती है चना दाल, वो भी आपको 1 से 1.5 चम्मच जो है वो चना दाल लेना है। ये दो लोगों की क्वांटिटी बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको मसूर दाल लेनी है, जो रेड वाली होती है या फिर छिलके वाली जो आती है वो भी ले सकते हैं, ये भी आपको 1.5 टेबल स्पून लेना है। और अब हमारी बची मूंग की दाल, मूंग की दाल भी आपको 1 से 1.5 चम्मच लेनी है। जो तुअर दाल है, तो सारी दालों को आप बिनिए और साफ कर लीजिए, देन वॉश करके आप इसे बिल्कुल रेडी कर लीजिए। उसके बाद मैं इसमें एक जो है वो टमाटर भी डालूंगी, आप अपने अकॉर्डिंग और भी सारे इंग्रेडिएंट डाल सकते हैं। तो ये मैंने देखिए यहाँ पे जो दाल को है वो वॉश करके रख लिया है, और इसके बाद मैं इसमें बथुआ भी ऐड करूंगी, आप चाहें तो पालक ऐड कर सकते हैं, एक टमाटर ऐड करूंगी, मतलब जो भी सीजनल आपके यहाँ पे अवेलेबल हो मार्केट में, जो भी पत्तेदार सब्जी, ग्रीन वेजीज, जो भी अवेलेबल हो वो आप फ्री होके ले सकते हैं। देन उसके बाद आपको अपने कुकर को बहुत अच्छे से गर्म करना है, और आप सब जानते हैं कि मैं ऑलिव ऑयल ही खाती हूँ या फिर कोकोनट ऑयल लेती हूँ। तो आज मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल से ही बना रही हूँ, और लगभग 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल इसमें ऐड करूँगी। और जैसे आप तड़का लगाते हैं अपनी दाल को, देन सेम वही प्रोसेस आपको अपनाना है। यहाँ पे जिस तरह से मैं तड़का लगाती हूँ मैं आपको वो यहाँ पे दिखा रही हूँ, लेकिन ये पूरा टेस्ट आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरह से खाते हो दाल को। तो आप इसमें क्यूमिन सीड्स ऐड करिए, आप इसमें हींग ज़्यादा सी ऐड करिए, आप इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, और भी जो चीज़ें आप कर सकते हैं, तड़का जो दाल मसाला आता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें लहसुन ऐड करूँगी, और ये जब तीनों चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी यानी कि फ्राई हो जाएंगी, इसका कलर जो है वो जाएगा, देन उसके बाद आपको अपनी दाल और बथुआ वो सब ऐड करना है। देन उसके बाद आपको सारे मसाले ऐड करने हैं, मैं यहाँ पे हींग ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से इसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी टेस्टी सा हो जाएगा। और अब मैं सारी दाल, जो 5 मेरी दालें हैं, वो उसमें मैं ऐड करूँगी। इन 5 दालों का सबसे बेनिफिट ये है कि आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, प्रोटीन, मैग्नीशियम, मतलब हर चीज़ आपको इसमें मिलेगी।
और इसके बाद मैं बथुआ ऐड करूँगी। बथुआ ढेर सारा इसलिए ऐड करूँगी कि आपको फाइबर भी मिले आपकी बॉडी में। तो इस तरह से ये एक कंप्लीट मील हो जाएगा आपके लिए। और ये ध्यान रखिएगा कि आपको इसे लंच में लेना, और चाहे जितना खाइए, पेट भर के खाइए और टेस्टी फूड खाइए, और वेट बिल्कुल भी गेन नहीं होगा। इसके बाद मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूंगी, धनिया पाउडर ऐड करूंगी, लाल मिर्च ऐड करूंगी। अगर आप लाल मिर्च नहीं खाते हो तो आप इसमें जो हरी वाली आती है वो भी मिर्च ऐड कर सकते हैं। ये सारे टेस्ट आपके अकॉर्डिंग है जो मैं यहाँ पे रेसिपी दिखा रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसी के अकॉर्डिंग बनाइए। इसके बाद मैं इसमें एक टमाटर ऐड करूंगी। तो जैसा भी आपका टेस्ट है उस अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें बना सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि आपको इसमें जो व्रत में खाने वाला सेंधा नमक है वो ऐड करिएगा। देन इसके बाद मैं इसमें 2 से 3 कप पानी ऐड करूँगी, क्योंकि ये इस दाल को मैं ज़्यादा वाटरी नहीं रखूँगी, मैं थोड़ा सा थिक दाल रखूँगी ताकि खाने में मुझे इजी रहे। और इसके बाद मैं सेंधा यानी कि रॉक सॉल्ट इसमें यूज़ करूँगी। जो नॉर्मल आता है नमक उसको पूरी तरह से छोड़ दीजिए अगर आप सच में वेट लॉस करना चाहते हैं। तो वो नमक मैं इसमें ऐड करूँगी, पानी ऐड करूँगी, देन उसके बाद और थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड करूँगी, और उसके बाद इसमें सीटी लगा दूंगी। बस आपकी जो दाल है वो रेडी है। आप चाहें तो बाद में भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही तड़का लगा देती हूँ तो इसे बनाना इजी हो जाता है। और बस कुकर को बंद कर दीजिए, जैसे ही सीटी आए सीटी निकालिए, और आपका जो टेस्टी टेस्टी वेट लॉस फूड है वो रेडी है। बहुत टेस्टी लगेगा, यकीन मानिए, एक बार ट्राई ज़रूर करिए। जो सब्जियां हैं वो सीजनल आप ले सकते हैं, आप बहुत सारी मिक्स वेजीज भी इसमें डाल सकते हैं, आप इसमें पालक भी ऐड कर सकते हैं, जो भी मार्केट में उपलब्ध हो वो ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरा जो कुकर है वो रेडी है। पहले तेज गैस पे मैं जो है इसे चढ़ाऊंगी, देन गैस को धीमी कर दूंगी ताकि जो सीटी है वो अच्छे से आ जाए, और सीटी मेरी कुकर की आने वाली है और मेरा लंच जो है वो तैयार होने वाला है। तो इस तरह से लंच तैयार करिए और खाइए, और बहुत ही हेल्दियर वे में अपना जो वेट लॉस करिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इसे बनाना कितना इजी है। इसमें मैंने जितना हो सका मैंने फाइबर डाला, जितना हो सका मैंने न्यूट्रिशन और प्रोटीन का ध्यान रखा, जिसकी वजह से आपकी स्किन भी डल ना हो, आपके हेयर्स भी रूखे बेजान ना हो, आपकी जो है नेल्स में भी कोई इफेक्ट ना पड़े, और आपका वेट भी हेल्दियर वे में लूज हो। और सबसे अच्छी बात इस डिश की है कि जितना मन हो उतना खाइए। और थायराइड पेशेंट को एक चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि वो जैसे मैं प्रिफर क्या करती हूँ कि मैं लंच में 1/2 टेबल स्पून वर्जिन कोकोनट ऑयल लेके इस दाल में खाना प्रिफर करती हूँ, जिससे वजह से मेरा थायराइड भी बिल्कुल सही रहता है। आई होप गाइस आपको मेरा ये आज का जो वीडियो है, मेरी रेसिपी है, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो भर भर के लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।